आउट द मनी इन द मनी और एट द मनी में फायदा नुकसान क्या है? अगर हम लोग देखेंगे एडवांटेज, यहाँ 43 शेयर खरीद रहे हैं, प्रीमियम ज्यादा लग रहा है, लेकिन प्रीमियम के साथ डेल्टा वैल्यू क्या अपने को ज्यादा मिल रहा है, 0.66 पैसा इसका डेल्टा मिल रहा है। यानी कि अगर बैंक निफ्टी वहाँ पे 1 रुपये ऊपर जाता तो 66 पैसा इसमें क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। तो 10 रुपये अगर ऊपर जाता तो 6.60 रुपये इसमें क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। अगर एक लॉट भी खरीदते बैंक निफ्टी का कितना क्वांटिटी होता है 25, तो 66 रुपीज 60 पैसा क्या हो जाएगा, उसमें 25 ऐड करते हैं मतलब 25 से इंटू करते हैं तो 150 रुपया के अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट हो रहा है। तो 43 शेयर इन द मनी वाले को 150 का प्रॉफिट हो रहा है। सेम 10 रुपये का मूवमेंट 43 शेयर 200 वाले को भी मिल रहा है, ठीक है, 43 शेयर 200 जो बाइक है, लेकिन उनका डेल्टा कितना है यहाँ पे 0.52, मतलब कि 10 रुपये अगर ऊपर गया तो 5 रुपये 20 पैसा क्या होगा इसमें इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इनको प्रॉफिट कितना का मिल रहा है, 5 रुपया 20 पैसा इंटू अगर 25 करेंगे तो कितना रुपया निकल रहा है, 130। तो इनको प्रॉफिट हो रहा है 130 रुपये का। उसी जगह पे 43,500 है ना, 43,500 जो लोग बाई किए, इनका प्रीमियम तो बहुत कम लगा है, इन्वेस्टमेंट भी कम था, लेकिन डेल्टा वैल्यू क्या है इनका कम है 0.30। अगर 10 रुपये का भी मूवमेंट होता है तो 3 रुपये का मूवमेंट हो रहा है, इनको प्रॉफिट कितना का बन रहा है 75 रुपये का। यानी कि इन द मनी को 150 का प्रॉफिट हुआ, एट द मनी को कितना का प्रॉफिट हुआ 130, और आउट द मनी को कितना का प्रॉफिट हुआ 75। यानी कि इन द मनी वाले को सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी 10 रुपये का मूवमेंट सबके लिए किया, लेकिन जो इन द मनी वाला बाई किया था उनका पैसा ज्यादा बना, जो एट द मनी उनका कम, जो आउट द मनी में गया उसका और कम।